नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही सामान्य सी बीमारी के ऊपर, पेट दर्द के ऊपर। देखिए, आज हम उस पेट दर्द के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि जिसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है और जिसको बहुत अधिक गैस बनती है, उसके कारण उसको पेट में दर्द होता है। तो आज हम इसके बारे में, एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी जो मेडिसिन होती है वो रोगी को उसके लक्षणों के आधार पर दी जाती है। तो होम्योपैथी में ऐसी नहीं है एलोपैथी के जैसे कि भाई पेट में दर्द होगा, इसके 3, 4, 5, 10 दवाइयाँ हैं कि इनमें से कोई भी ले लो, कि ये ले लो इसका असर नहीं होता, ये ले लो, ऐसा नहीं होता है। कि होम्योपैथी में होता है कि रोगी में लक्षण क्या है, कि पेट में दर्द बाईं तरफ हो रहा है, दाईं तरफ हो रहा है, या फिर नाभि में हो रहा है, या फिर पीछे से प्रारंभ हो रहा है, आगे से प्रारंभ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, किसके कारण, गैस के कारण हो रहा है, कब्ज के कारण हो रहा है, या फिर किसी और कारण से हो रहा है। ठीक है, जिस कारण से सिर दर्द या पेट दर्द या फिर सिर दर्द, मतलब कोई भी कारण जो होता है, उस कारण से उसके आधार पर लक्षण क्या है, सिर में क्या महसूस हो रहा है, पैरों में क्या महसूस हो रहा है, पेट में क्या महसूस हो, और आंखों में क्या महसूस हो रहा है, मन में क्या महसूस हो रहा है, मतलब प्रत्येक अंग पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो किसी भी कोई भी मेडिसिन है उसके लक्षण दिए रहते हैं कि इस मेडिसिन को ये लक्षण हो तब आपको लेना है। देखिए, पूरे लक्षण किसी भी पेशेंट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, शायद ही किसी पेशेंट में आपको मिलेंगे कि कंप्लीट जो मेडिसिन के जो लक्षण दिए रहते हैं वो आपको किसी भी पेशेंट में नहीं मिलेंगे। तो आपको ऐसा करना है, 3 लक्षण चूज कर लेने हैं, उसमें से 2-3 लक्षण, 3 लक्षण मिल जाए, 4 लक्षण, 5, जितने ज़्यादा मिले उतने ही मेडिसिन अच्छे सेलेक्ट होगी। तो कम से कम 3 लक्षण आप अवश्य सेलेक्ट करें, तो उससे आपको एक अच्छी मेडिसिन सेलेक्ट करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा किसकी करने जा रहे हैं, हम चर्चा करने जा रहे हैं एक मेडिसिन होम्योपैथी में जो है डायोस्कोरिया विल्लोसा। ठीक है, डायोस्कोरिया विल्लोसा, ठीक है, ये एक मेडिसिन है। ये देखिए किन कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं, इसका जो पेट में जिसको दर्द रहता हो और जो किसके कारण रहता हो, जिसको पेट में दर्द हो, नाभि से दर्द शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाता हो, फिर पूरे पेट में फैल जाएगा, फिर धीरे धीरे हाथ पैरों में फैल जाएगा। ठीक है, और वो गैस के कारण, ज़्यादा चाय पीने के कारण, या फिर भोजन ठीक से न करने के कारण अगर पेट में दर्द हो, ठीक है, तो उसमें ये दी जाएगी। इसमें और भी बहुत सारे लक्षण हैं, चलिए उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह औषधि उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिसकी पाचन शक्ति कमजोर हो और जो कुछ भी खाते हैं उसके बाद में जिसका पेट फूल जाता हो और जिसको पेट में दर्द रहता हो और जो बहुत अधिक चाय पीते हैं और जिसके कारण पेट में गैस बनती है। आगे देखो, सिर में आपको दोनों कनपट्टियां जो है इन दर्द, दोनों तरफ इसमें दर्द होगा, दबाने से, ऐसे दबाने से आराम मिलेगा, लेकिन बाद में दबाने के थोड़ी देर बाद में, छोड़ने के बाद में उसमें दर्द बढ़ जाता है, सिर बनबनाता है, ऐसे चबन जैसी महसूस होती है, और जैसे अमावस्या जैसे मुख सूखा सा रहता है, सूखा सूखा मुख रहता है, और अत्यधिक डकारें आती है, खट्टी खट्टी कड़वी कड़वी डकारें जिसको आती हो। ठीक है, और जिनको पेट में दर्द रहता हो, और दर्द कहाँ से शुरू होगा, नाभि से दर्द शुरू होगा, पूरे पेट में फैल जाएगा, फिर धीरे धीरे हाथ पैरों में फैल जाएगा, पेट में मरोड़ से उठते हैं। ठीक है, पेट में मरोड़ से उठेंगे, गैस अधिक बनेगी, गैस निकलेगी भी और बनेगी भी अधिक, पेट में जैसे गड़गड़ाहट सी रहेगी, और जैसे आगे की तरफ यदि हम झुकेंगे या फिर हम लेटे रहेंगे एक तरफ, ठीक है, तो दर्द बढ़ेगा, और यदि हम सीधा ऐसे तनकर खड़े रहेंगे या फिर हम ऐसे पीछे की तरफ झुकेंगे या फिर चल लेंगे फिरेंगे तो दर्द में आराम महसूस होगा। ये लक्षण भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो आगे झुकने या फिर लेटे रहने से ज़्यादा दर्द हो, दर्द बढ़ता हो, और जो चलते फिरते रहें और पीछे झुकने से या सीधा खड़े रहने से दर्द में आराम मिलता हो, तो उनके लिए यह एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे मेडिसिन है। और जो रोग में जो वर्ती होगी, जो संध्या के समय, सायंकाल के समय और रात के समय दर्द बढ़ जाएगा, और कमी जो लेटने पर और झुकने पर इसमें दर्द बढ़ जाएगा, और कमी चलने फिरने से और सीधा खड़े रहने से इसमें
कमी होगी। रोग का जो कारण होता है उसका लगभग भोजन में गड़बड़ी की, लगभग देखो पेट के जितने भी रोग हैं वो भोजन में गड़बड़ी के कारण ही होती है, ठीक है। हमारी खान पान की तो चाय अधिक पीना, वो भी हमारी भोजन की गड़बड़ी होगी, ठीक है। अधिक खाना खा लिया, बेवकूफ खाना खा रहे हैं, तो इसके कारण ही होता है। तो वो हमको मेडिसिन तो लेनी है, साथ में अपना कारण दूर करके जो भी है हम चाय पी रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा, भोजन की गड़बड़ी उनको सुधारना पड़ेगा, साथ में थोड़ी बहुत ही मेडिसिन ले लेंगे, अब पूरी तरह से इसको आराम मिलने लग जाए। और जिसको पथरी के कारण जिसको पेट में दर्द होता हो वो भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। जैसे पित्त की पथरी होती है ना, तो उसके कारण यदि किसी को पेट में दर्द रहता हो तो वो भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज, जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है और जिसको गैस बनती है उसके कारण जिसके पेट में दर्द रहता हो, अधिक चाय पीने से दर्द रहता हो। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। उन सवालों का जवाब हम संडे के कमेंट बॉक्स में देंगे, अगले संडे से जो अब संडे आएगा उससे हम संडे कमेंट बॉक्स शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके जवाब हम संडे कमेंट बॉक्स में दिया करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।